अस्सलामुअलैकुम, मैं उस्मान भट्ट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी एन मोर्च। तो आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसका नाम है दादरा बडेका। ये मलेशिया की आज़ादी का आइकॉन है। सर, आप पाकिस्तान में हमारा यादगार या मीनार पाकिस्तान हम लोग आज़ादी के तौर पर अपना आइकॉन देखते हैं, तो मलेशिया में भी मैं जो जिस जगह पे मौजूद हूँ इसको भी आज़ादी का आइकॉन कहा जाता है। प्यारी जगह है, तो आज इंशाल्लाह मैं यहाँ पे विज़िट करूँगा और आपको भी विज़िट करवाऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इधर मेरी बीवी है, उसको फ़ोन पे बोलेगा अम्मी तुम्हारे बालू वाशे। Song? La la la, di radio, a coup de gars. A goût qui s'y en aime, côté de bon, di romamon. C'est dingue après ça, y'a un coup à rap encore, mendinga. D'un coup, katakan, relou. Thank you, thank you. अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया है। और यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश हो जाती है, कभी गर्मी, तो सारा साल यहाँ पे ऐसा ही चलता है। तो अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है तो टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए। और ये जो मैं आपको मलेशिया का झंडा दिखा रहा हूँ ना, ये मलेशिया का तो सबसे बड़ा झंडा है ही, लेकिन दुनिया का सबसे बुलंदी पर लहराने वाला परचम भी यही है मलेशिया का। तो ये एजाज़ भी
इसको हासिल। ये मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और मलेशिया की एक ही खूबसूरत बात है कि छोटी छोटी चीज़ को ये टूरिस्ट के लिए प्रेजेंट करते हैं खूबसूरती के साथ। मैं आपको भी ये मस्जिद करीब से दिखाता हूँ और आपको बहुत यहाँ से व्यू इसका बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ये मैं आपको मस्जिद दिखा रहा हूँ, तो इसके साथ देखें ये छोटे छोटे से फाउंटेन लगे हुए हैं और ये मस्जिद के आगे लिखा हुआ है कुआलालंपुर। तो ये फाउंटेन के साथ देखिए आप, ये नीचे ये दरिया आ रहा है, ये पानी मस्जिद की दोनों साइड से ये पानी आ रहा है। एक ये इस साइड से आ रहा है पानी और दूसरा इस साइड से आ रहा है पानी। तो ये यहाँ पे आके ये पानी आपस में मिल रहा है। तो ये देखिए कैसा खूबसूरत मंजर है और ये धुआँ सा निकल रहा है जैसे सर्दी का मौसम हो, लेकिन सर्दी का मौसम तो नहीं है, बारिश अभी होने वाली है, बादल आ गया, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया और काफ़ी खूबसूरत व्यू है। उसके साथ ही जो मैं आपको ये दीवारें दिखाने लगा हूँ अभी, ये देखिए यहाँ पे वॉल चेकिंग हो रही है बिल्डिंग के ऊपर। ये देखें बिल्डिंग के ऊपर जो है ना वो तस्वीरें बना रहे हैं। ये कौन सी कंट्री का एरोप्लेन है भाई, कौन सी कंट्री का एरोप्लेन है, किधर जाओगे? और अब मैं जिस जगह पे पहुंच गया हूँ यहाँ पर सब बांग्लादेशी शॉप्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं यहाँ पे, मोबाइल एक्सेसरी की, कोई कंप्यूटर की और कोई खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। भाई ये समोसा बांग्लादेश के, पहले भी मैं कई बार खा चुका हूँ लेकिन उन्होंने समोसे के साथ चटनी भी दी है, तो चटनी के साथ इसको ट्राई करते हैं कैसा बना। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है लेकिन खस्ता भी है और मज़े का भी है। ये आम कटा हुआ है, आम काटा है, इसे है। तो ऐसे ही बेचते हैं यहाँ पे बैठ के, ऐसे ही बेचते हैं तो हरी हरी इन्हीं मचा। हाँ मैं बांग्लादेश बाजार से निकलकर चाइना टाउन में आ गया हूँ। इस जगह का नाम है जलन पटाली। यहाँ पर हर किस्म का फूड आपको मिल सकता है, चाइनीज़ फूड, मले फूड, पाकिस्तानी फूड, थाई फूड, हर तरह का फूड आपको यहाँ से मिल सकता है। तो चलें यहाँ की फूड स्ट्रीट विज़िट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। ये भी एक चाइनीज़ लड़की ने अपना सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तरह तरह का सी फूड भी है, सोसेजेज हैं और पतंग उडंग स्क्वेज ब्रोकोली हॉट डॉग। ये बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है, तो जितने भी आपकी चीज़ें नज़र आ रही है सब आइस के ऊपर लगाई हुई हैं इसने, तो देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन चाइनीज़ रेस्टोरेंट जितने भी होते हैं इन सब पे नॉन हलाल फूड होता है, तो इसलिए हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं खाएंगे, सिर्फ उनका फूड विज़िट करेंगे तो देखेंगे कि इनके रेस्टोरेंट पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है इन लोगों ने और ये चाइना बाज़ार में इस वक्त ये सेटअप लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये कुछ लोग खाना खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे डक और सूर, सूर का फूड बना के सेल किया जा रहा है। ये सूर के गोश्त के स्लाइस बनाकर उसका बारबेक्यू बनाकर सेल किया जा रहा है। ये चाइनीज़ आदमी है,
ये भी चाइनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी रश लग रहा है मुझे। मैंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे भी, तो लोग खाना खा रहे हैं। ये भी एक चाइनीज रेस्टोरेंट है और इन्होंने डिस्प्ले पे जिंदा मछलियाँ लगाई हुई हैं, और इसके अंदर एक्वेरियम के अंदर मेंढक नज़र आ रहे होंगे, तो ये जिंदा मेंढक है। तो आज रात को इनकी भी पार्टी होने वाली है। ये देखें जी, बैंगन का बारबेक्यू, वेरी गुड। यू मुस्लिम, यू मुस्लिम, यू पक्के टोपी मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेस्टोरेंट सुमा मक्कन मुस्लिम हुआ, चाइना मुस्लिम, ओ चाइना मुस्लिम। ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, मतलब यहाँ पे हलाल फूड है, तो देखकर बड़ी खुशी हुई है। जितने भी रेस्टोरेंट की मैंने वीडियो बनाई थी वो सारे नॉन हलाल थे। वहाँ पे सूर का गोश्त हर रेस्टोरेंट पे मौजूद था और बनाकर वो बेच भी रहे थे, तो इसीलिए ये पहला रेस्टोरेंट मैंने देखा है इस फूड स्ट्रीट में जो हलाल फूड है। ये जी रोटी चिनाई बन रही है, और बहुत ही स्पेशल रोटी होती है और बहुत ही खास तरीके से बनाया जाता है इस रोटी को। अरेबिक शवारमे की शॉप मिली है, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे बैठकर शवारमा खाऊंगा। शवारमा क्लासिक और शवारमा प्रीमियम, शवारमा सबसे पहले इनका मेन्यू देखते हैं। वी हैव रैप सैंडविच एंड वी हैव मील। ओके नेक्स्ट, शवारमा प्रीमो, शवारमा क्लासिको, शवारमा चीजी। ओके गिव मी शवारमा चीजी वाला। जूस का ऑर्डर देने लगा हूँ, मिक्स जूस है एप्पल, ड्रैगन फ्रूट और पाइन एप्पल का। इसमें देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस शवारमे को टेस्टी बनाती हैं। तो इसमें चिकन है, शिमला मिर्च है, छली के दाने हैं, और चीज़ है, मायोनीज है, केचप है, तो इन सब का मिक्सचर बनाकर शवारमा बनाया गया है। अभी हम शवारमा खाएंगे। शवारमा काफ़ी मज़ेदार है, वो काफ़ी सॉफ्ट और चीज़ी है और बहुत मज़े का बनाया है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसके साथ ही उस्मान भट्ट को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।